A wonderful morning to all. Today we are going to start a new lesson, lesson number 8, A Mouse in the House. Beta, this lesson story, is lesson ki story I have narrated to you. So today we will do the reading work. So open your book at page number 29. Beta, you all know that this story is based on OU sound, OO sound. Let's read the new words. Market, bazaar, everything, sab kuch, little, kam. Thoda, in this story, little means choti. Small, scream, to shout loudly. Wait, intezaar, proud, garv mehsoos karna. Find, milna. So now, let us read the story. Bhanu is a big boy. Bhanu, big boy hai. He is 7 years old and he is 7 years. His sister Mona is small. Aur uski jo sister hai and her name is Mona. She is small. His is used for kiske liye? Bhanu's. Jab hum Bhanu, B-H-A-N-U, Bhanu likhenge. Thik hai? Jab hum Bhanu word use तो इंस्टेड ऑफ भानु जो रिप्लेस होगा वर्ड वो ही होगा ओके बट व्हेन वी विल से भानुज बी एच ए एन यू एंड अपोस्ट्रोफी एस सो इंस्टेड ऑफ भानु वी विल राइट हिज ओके पोजेशन ऑफ भानुज इज हिज सो नाउ शी इज ओनली 3 years ओल्ड एंड हिज सिस्टर मोना इज ओनली 3 years ओल्ड 3 साल की है Today mother has to go to market. आज mother को market जाना है. She tells Bhanu to take care of little Mona. और वह Bhanu को कहती है, mama Bhanu से कहती है कि तुम Mona का ध्यान रखना. Bhanu is a good boy. Bhanu बहुत अच्छा लड़का है. He takes care of his sister. और वो अपनी sister का ध्यान रखता है. Mona is playing with her toys. Mona अपने toys से खेल रही है. Again, her is used for Mona's. Mona अपने toys के साथ खेल रही है. She finds a big round pouch on the ground. और उसे ground में एक big round pouch मिलता है. Pouch means पोटली. Underline कर लो pouch word. She picks up the pouch and opens it. और वो उस pouch को उठाती है और उसे open करती है. से खोलती है सो इट इज़ यूज फॉर पाउच आउट कम्स अ स्टाउट माउस और उस पाउच में से एक स्टाउट माउस शॉर्ट एंड फैट माउस निकल के आता है इट क्लाइम्स ऑन हर ब्लाउज और वो माउस उसके ब्लाउज पे क्लाइंब करता है चढ़ता है यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो एंड देन जम्प्स टू द काउच आफ्टर क्लाइंबिंग On her blouse, the mouse jumps over the couch और वह couch पर jump कर जाता है Couch is a type of a bed, it is a piece of a furniture. Ouch, ouch, help, help, shouts Mona. और Mona ouch, ouch कहती है और फिर कहती है help, help और ज़ोर से shout करती है Bhanu hears the loud scream. Bhanu को loud means ऊंची ज़ोर की scream सुनाई देती चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है He runs to help her. और भानु उसकी मदद करने के लिए भागता है हर किसके लिए यूज़ किया बेटा हर इज़ यूज फॉर मोना मोना की मदद ओके ही सीज द माउस बाउंसिंग अप एंड डाउन और वो क्या देखता है कि माउस अप एंड डाउन ऊपर नीचे बाउंस कर रहा है बाउंस मीन्स उछल रहा है अंडरलाइन बाउंस द माउस जम्प्स From the couch to the ground और mouse couch से ground की तरफ उछलता है jump करता है He jumps from the ground to the couch और फिर उसके बाद ground से दोबारा couch पे उछलता है Poor Mona is crying Poor Mona देखो यहाँ रोना शुरू कर देती है Okay so underline couch also Bhanu goes into the garden and comes back with a big round pot. Bhanu garden ki taraf jata hai. Goes means jana.
एंड कम्स बैक, और वापस आता है एक बिग राउंड पॉट के साथ. ही पुट्स द पॉट ओवर द माउस एंड देन व्हाट ही डज, ही पुट द पॉट ओवर द माउस, उस पॉट को माउस के ऊपर रख देता है. द माउस कैन नॉट रन, अब जो पॉट ऊपर रख देता है माउस के, तो अब माउस भाग भी नहीं सकता कहीं भी. मोना स्टॉप्स क्राइंग, मोना रोना बंद कर देती है. शी इज़ हैप्पी नाउ, अब वो हैप्पी है, खुश है. बोथ ऑफ देम वेट फॉर मदर टू कम बैक, अब दोनों मम्मा का वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं. फ्रॉम द मार्केट, बाजार से आने का इंतज़ार करते हैं. ओके, दे टेल हर एवरीथिंग, और फिर उसके बाद भानु और मोना दोनों, दे किसके लिए यूज़ किया, मोना और भानु के लिए, दे इज़ यूज़ फॉर मोना एंड भानु. भानु और मोना सब कुछ मम्मा को बताते हैं. मदर इज़ प्राउड ऑफ भानु, और मम्मा तो बहुत प्राउड फील करती है भानु पे. वाई शी इज़ प्राउड ऑफ भानु, बिकॉज बेटा क्यों, क्योंकि भानु ने बहुत अच्छे से अपनी सिस्टर, लिटिल सिस्टर की केयर की थी. दैट इज़ द रीज़न मदर इज़ प्राउड ऑफ भानु. ओके बेटा, सो बेटा रीड दिस स्टोरी टू टाइम्स. बेटा यू हैव टू रीड द स्टोरी टू टाइम्स. आई एम राइटिंग हियर हाउ मेनी टाइम, टू टाइम्स. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट न्यू वर्ड्स इन आर नोटबुक. नाउ बेटा वी हैव टू राइट डाउन न्यू वर्ड्स हियर. राइट डाउन डेट, देन डे, लेसन. Ate a mouse in the house. New words. First is market. Market. Everything. Little. Then scream. Wait. Proud. Fine. After writing the new words, I have made sentences. First of market. So let us read this. My sister goes to market. Then the second sentence, my friends wait for me. Third one, we should not scream. So in the same way, you have to write neatly in the notebook. And beta, we will meet again tomorrow with a new work. This is all for today. Stay home and stay safe. Thank you. Have a nice day.